ये दलितों के प्रेम नहीं है, ये तो एक बहरूपी है। वोट तो ले लेते हैं और दूसरी पार्टी अपने निजी स्वार्थों के लिए अब चले जाते हैं और हमें कमजोर करते हैं, पहले अपने यहाँ रहते हैं, चले जाते हैं। सब बड़ी तगड़ी बात कह दी। खैर, विधानसभा के क्षेत्र के लोग आपके एक एक शब्द को नोट कर रहे हैं, समझ लीजिए बात, समझ रहे हैं आप कहाँ पर मार रहे हो। नमस्कार, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी। उपचुनाव की विगुल बज गया हो, हर पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को उतार दिया है मैदान में और गांव-गांव गली-गली नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर अपना प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में का कहना है कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय इसलिए हैं कि आप पहले स्वास्थ्य सेवाओं में लंबे समय तक जुड़े रहे, डॉक्टर पहल सिंह। ACMO से सेवानिवृत्त होने के बाद में ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब जो आप एकदम सड़कों पर उतर आए पब्लिक की मदद के लिए? देखिए, आज आप इसे दूर दराज क्षेत्र टिकरी गांव में आए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी ने मुझको अपने आशीर्वाद देकर खैर विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं उनका बहुत ऋणी हूं और मैं देख रहा हूं कि घूम घूम कर देख रहा हूं कि यहां पर स्वास्थ्य की, शिक्षा की, यातायात की बहुत कमियां हैं, जिससे कि हमारे किसान मजदूर की जो समस्याएं हैं, जो आम जनता की, जैसे पानी की, खेतों में खाद की, और यहां पर खैर विधानसभा में पानी की बहुत समस्या है, बहुत खारा पानी है, उससे मतलब हमारे जो आम जनता है वे सब जो भी रहने, सब जो रहने वाले हैं उन सब के लिए बड़ा हानिकारक है। क्योंकि मैं कैजे मेडिकल ऑफिसर रहा हूं और मैं पूरे जनपद अलीगढ़ में घुमा हूं, विशेषकर अपने खैर विधानसभा में, जिसमें कि बहुत सी समस्याएं मैंने देखी और आज भी देख रहा हूं। जो हमारी सरकार आई थी तो तब हमारी सरकार ने काफ़ी विकास किया, हाईवे दिया, जिससे कि यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिला, यहाँ के रेट बढ़े, यहाँ की मंडी दिया है, तो मंडी खैर मंडी दी है और हाईवे देकर बहुत ही यहाँ के विकास करने की कोशिश की, जिससे कि हम नोएडा से वैसे जेवर का एयरपोर्ट देकर किया है और किसानों का, मजदूरों को और महंगाई को कंट्रोल करते हुए किसानों के लिए गन्ने की दुनिया आए और ओबीसी के लिए। और बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, काफ़ी बेहतर वक्ता है आप, चूँकि स्वास्थ्य सेवाओं में रहे हैं, आपने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है, सब आपको जानकारी है। डॉक्टर साहब, लगभग 22 वर्ष पूर्व यहाँ पर बसपा का दबदबा था, बसपा के प्रत्याशी थे वो विधायक रहे प्रमोद गौड़ साहब, लेकिन इन 21 सालों के बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आप सेकेंड नंबर पर था हाथी, लेकिन क्या इस बार आप जाट और SC OBC अल्पसंख्यक और अन्य जातियों को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, जो आप का जो सपना है नीले झंडे का कैसे साकार कर पाएंगे खैर में? देखिए, आज हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है और मैं गांव-गांव में जाकर देखता हूं, घूम रहा हूं, तो सर्व समाज मुझे हमको सपोर्ट कर रहा है। और जो आपने पीरियड बताया इतना, ये 14 के बाद में, इसमें बहुत से बहरूपी आए, हमारा टिकट तो लिया, हमारे बहुजन समाज को लूटा तो, लेकिन उन्होंने मुड़कर क्षेत्र में नहीं देखा, ना विकास का देखा, ना शिक्षा का देखा, ना वाटर का देखा, तो इसलिए हमारे यही मेरे मुद्दे रहेंगे। यदि ये दलितों के प्रेम नहीं है, ये तो एक बहरूपी है, वोट तो ले लेते हैं और दूसरी पार्टी अपने निजी स्वार्थों के लिए अब चले जाते हैं और हमें कमजोर करते हैं, पहले अपने यहाँ रहते हैं, चले जाते हैं। सब बड़ी तगड़ी बात कह दी। खैर, विधानसभा के क्षेत्र के लोग आपके एक एक शब्द को नोट कर रहे हैं, समझ लीजिए बात, समझ रहे हैं आप कहाँ पर मार रहे हो। मेरी जानकारी में जो है कि जब 22 वर्ष पूर्व बसपा बूम पर थी तो उस समय ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया था दलितों को, और दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बन के 1.25 लाख 1.5 लाख पार हो गया था, लेकिन इस बार तो सब अपनी ढाबली अपना राग बजा रहे हैं। वहीं पर दूसरी सत्ताधारी लोगों ने कार्य किया है, लोगों का कहना है कि बहुत विकास कार्य किया क्षेत्रों में। देखिए, बेवकूफ बनाकर कोई चला जाता है तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी जनता के लिए काम नहीं करते हैं, जीत कर चले गए लेकिन वापस भोजन के मैं मतलब उनको नहीं मिल पाती कि, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी झोपड़ी होती है, दूसरे का महल जो होता है, अपनी ही झोपड़ी अच्छी लगनी चाहिए, दूसरे का महल पता नहीं वो कब आपको लात मार के भगा दें। वाह, जबरदस्त बात कह दी आपने। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कही थी कि बहुत सारे लोग आएंगे दलित और शोषित की मदद के लिए, मैं पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ, विधानसभा में भेज रहा हूँ, लोकसभा में भेज रहा हूँ, लेकिन वो अपने हित सिद्ध करने के लिए आपकी मदद नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इसमें? बिल्कुल मिल रहा है। थोड़ा सा परिचय दे दें आप और रणनीति बताएं, किस तरीके से विधानसभा में आप नीला झंडा हाथी निशान को चरम पर पहुंचाने की? मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से अलीगढ़ मंडल का प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और साथ में मानी बहन जी ने जो डॉक्टर पहल सिंह जी को खैर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं मानी बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप खैर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर के गाँव टीकरी में आए हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर भी ये जानकारी करने के लिए आए हैं, मीडिया बंधु आप लोग आए हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी खैर विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही मजबूत है, पहले भी बीएसपी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने 2002 में विजय हासिल की थी, उसी तरह से बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों का सहयोग इस समय डॉक्टर पहल सिंह जी को बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, और आज भी सर्व समाज के लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं। माननीय बहन जी की सरकार में खैर विधानसभा का जो चौमुखी विकास हुआ वो किसी भी सरकार ने करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने एक ईंट स्कूल में लगवाने का काम नहीं किया, कोई विकास कराने का काम नहीं किया, और बल्कि यहाँ पर किसानों की ज़मीनों को लूटने का काम किया है। वो एक दिन परमिशन देते हैं, एक दिन रुकवा देते हैं, अपनी कमीशन मिल जाती है फिर उसको रोक देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल तो काफ़ी चर्चा में रहा था मामला। देखो ये राजनीतिक लोग हैं, जब आवश्यकता होती है तो गड़े मुर्दे को उखाड़ देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी चर्चा में रहा था ये विषय, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि बहुत सारे आपके जो कैंडिडेट थे बड़े दिग्गज माने जाते थे, लेकिन इस बार बड़ी साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट को ही क्यों लेके आए, पुराने लिम में क्या कमियां निकल गई? चूँकि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन का नाम है, बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं और वो जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो इधर उधर भाग जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर पहल सिंह जी को देखा कि वो लंबे समय से बामसेप के माध्यम से इस पार्टी की सेवा कर रहे थे, और आज वो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बनकर के पार्टी की सेवा कर रहे थे। उनकी ईमानदारी और उनकी छवि को देखते हुए मानी बहन जी ने खैर का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। अच्छा अभी तो कॉम्पिटिशन चल रहा है, कितने मुकदमे होंगे वो इसी को बाहुबली माना जाएगा। डॉक्टर साहब पर कितने केस हैं? डॉक्टर साहब हमारे साफ स्वच्छ सभी के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है, बल्कि तमाम लोग मुकदमे लेकर के घूम रहे हैं और जनता उनसे परेशान है। जनता ये चाहती है कि हम क्रिमिनल लोगों को वोट ना देने का काम करें, और ना ही ऐसी पार्टी जो कि गुंडों और माफियाओं को बचाती है या बलात्कारियों को बचाती है, ना ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गुंडे और माफिया हावी रहे, और सपा से भाजपा से आज सब लोग त्रस्त हैं और उनसे बचना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह जी को पूरे खैर विधानसभा के लोग, सर्व समाज के लोग, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर वोट कर रहे हैं। लोग भले ही चाहे अपनी क्राइम हिस्ट्री को छुपा रहे हों या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जनता जवाब जानती है, जब जनता जवाब देने का काम करती है। पिछली बार जो वोट उनके प्रत्याशी के नाम पर बताए जा रहे हैं वो उस प्रत्याशी के वोट नहीं थे, वो पूरे वोट बहुजन समाज पार्टी के थे। उनका वोट केवल 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट थे, बाकी बहुजन समाज पार्टी हमेशा दूसरे नंबर पर रही है, एक बार जीती है, और इस बार बहुजन समाज पार्टी जीत का परचम फहराने का काम खैर विधानसभा में जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे तरीके से बात को साफ कर दिया है कि जो लोग राजनीतिक लवादा ओढ़कर टिकट मांगने की प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी कोई भी दल हो, नीला पीला हरा गुलाबी कलर हो, कोई भी हो, टिकट चाहिए क्योंकि उनको अपना आपराधिक जो रिकॉर्ड है उस पर सफ़ेद पर्दा डालना है, यानी उन बातों को छुपाना है, लेकिन पब्लिक काफ़ी समझदार है, भी करेगी, सोच समझ कर करेगी। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, यूँ ही साना बसाना मिलता रहूँगा और चुनाव की चर्चा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।